हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब गरीब जरूर होता है। आज भी कुछ ऐसे सवाल उठे हैं जिनका जवाब ऊपर वाले के ही पास है। आइए देखते हैं ऑन जियो धनराजन प्रेजेंट्स कौन बनेगा सेंचुरी अलग। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। स्वागत है आपका कौन बनाएगा सेंचुरी कार्यक्रम में। जोरदार तालियां। आज गेम खेलने के लिए हमारे साथ वो सितारे मौजूद हैं जिन्होंने 1983 में पहला वर्ल्ड कप इंडिया के लिए लाया था। बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। अरे आप तो बिल्कुल गिरमानी साहब जैसे लग रहे हैं, ये कपिल साहब जैसे लग रहे हैं, आप महेंद्र अमरनाथ जी जैसे लग रहे हैं। हम वही हैं। तो इसीलिए तो लग रहे हैं कि आप वही हैं। अगर आप नहीं होते तो कैसे लगते। अब आपको देख के तो नहीं की याद आएगी ना, दिल रंका चोपड़ा जी की थोड़ी याद आएगी। लेजेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं तीन तीन, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आपको पता होगा कि 1983 में खुली फिल्म रिलीज हुई थी और आज उसी संदर्भ में मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे एक बात हुआ करता था, वो यहाँ नहीं रहता क्योंकि मैंने इसका रेंट बढ़ा दिया, अभी तो वहां से उड़ गया। आपके पास कभी चील कौवा कोई मिले आपको तो प्लीज बताइएगा, इस जगह खाली है रेंट के लिए। और ये इनसे मिलिए, ये बिल्ला है, कोई अच्छे घर की बिल्ली अगर आपको मिले तो इसका मैं रिश्ता करने के लिए तैयार। तो चलिए गेम शुरू करते हैं और गेम में कुछ रोल भी बनाए हुए हैं हमने। आप बोल के बता दूं, ये क्रीम रोल है गेम में, आप जब भी चाहेंगे आपके लिए 10 रुपए का है। अमिताभ जी जी, मैं आप अपना वो प्रोग्राम शुरू करने से पहले जी 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 मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ मैं कि हमारी मुलाकात। ओ, आप असली अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहे हैं। 1982 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पहली मुलाकात आपको याद होगा, लॉर्ड्स के वॉशरूम में मैं खड़ा हुआ हूँ। है? तो एकदम मतलब? से मतलब बड़ी सी पर्सनालिटी एक नंबर बाजू आके खड़ गई, मुझे पता नहीं कौन है। तो मैं थोड़ा सा रुक के, वहां तो नहीं देख पाया मैं, मगर ऐसा जो करा, हेलो बोले, आपने हेलो कहा, मैं बोला आई एम सॉरी आई कांट शेक हैंड्स राइट नाउ, आई विल सी यू इनसाइड, आई विल मीट यू इनसाइड द ड्रेसिंग रूम। वहां पे अपनी पहली मुलाकात हुई। What a pleasure it was and what a place to meet. Washroom. But watch, असली बच्चन साहब थे, मैं बिल्कुल नकली हूँ। परंपरा और प्रतिष्ठा मैं अपने बारे में बता दूं, ये मेरी दो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। Okay. तो मेरे बाबूजी ने मुझे पकड़ लिया, उसके बाद मैं अनुशासन में आ गया। लेकिन आपकी मदद के लिए इस खेल में हमने एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं। तो सबसे पहली एक्सपर्ट मिस परंपरा महबूबा, जोरदार तालियां। एक मिनट, अब खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप थोड़ा डांस ही कर लीजिए। एक मिनट, तुमने क्या बोला मंगवाया है? मैं कुछ चिली टोस्ट जो मंगवाया है। मेरा नाम महबूबा है, बस मैं हो भी सकती हूँ अगर आप आसान से सवालों का जवाब दे रही। आई डोंट माइंड। चलो खेल शुरू करो। चलिए खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिरी सवाल। ओह सॉरी, मैंने कंप्यूटर उल्टा रखा हुआ था। तो सबसे पहले अब पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, इसका इनाम आप मुझे देंगे क्योंकि 1 करोड़ की जरूरत मुझे है, आपको नहीं है, आप तो बड़े बड़े आदमी है, उन्हीं के लिए मैटर करता है। सवाल ध्यान से सुनिएगा, तीनों लेजेंड्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। 1983 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? अच्छा सवाल है जी, बहुत बढ़िया सवाल। बहुत बढ़िया। आपके ऑप्शन है बहुत मुश्किल। ए
जब ग्राउंड खाली था तब खेला गया था, बी जागने के बाद और सोने से पहले खेला गया था, सी मैच खत्म होने से पहले खेला गया था, या डी तब खेला गया था जब आप इंग्लैंड पहुंच गए। आखिर में जब हम इंग्लैंड पहुंचे तब खेला गया। एक्सपर्ट कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक 1984 के जस्ट एक साल पहले खेला गया था, राइट? आपने बहुत खूबसूरत कमर भटकाई, इसलिए ये सही जवाब। अब आपको एक ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, दिल थम जाएंगे। प्लीज कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज? आइए कपिल सर, आइए अमरनाथ जी, आइए कृपाणी साहब। मिलेगी ये गिफ्ट है जो इन्हें मिल रहा है, जोरदार तालियां, इसे जरा खोलिए। अरे मैं कभी भी ओपनिंग बैटिंग नहीं किया भाई, मैं तो क्यों ओपनिंग बैटिंग किया। ये ये पिच ही ऐसी है जिसे देखकर आपको ओपनिंग करने का मन करेगा। आइए खोलिए सर, आइए। चलिए जी, आइए आइए सर, कृपाणी साहब। एक दो तीन हम आगे आए, रे क्या बात है। मुझे पहचाना? जी हाँ, ये अली भाई है। एक मिनट। कहाँ बैठना पसंद करोगी? आज ये बोलते हैं, उस दिन नहीं बोला आप? नहीं। याद है जब आपने वर्ल्ड कप जीता था? हाँ। शाम को सेलिब्रेट करने के लिए आप क्लब आए थे? हाँ। आपने मेरा डांस देखा था? आपका हाथ भी पकड़ा था। हाँ। वही स्पर्श, और आपने कहा था हाथ अगर एक माँ के इन्होंने मुझ पर बहुत पैसे लौटाए थे। बड़ा छुपा सोना। सीरियसली, वो ही लौटाने के लिए मैं आई हूँ। आप रख लीजिए, सबके सब नकली है। एक्सक्यूज मी, जैसे तुम हो वैसे ही तो देंगे ना। नकली है तो नकली नोट ही मिलेगा तुम्हें। तू चुप कर, बड़ी जेनिफर लोपेज बनती है। ये भी आए थे, ये भी थे। ये भी आए थे। छोटी परजाई जी। परजाई? अच्छा, आज परजाई जी। चलिए बैठे वहां पे। मेरा खत्म नहीं हुआ। क्या बात है, मुझे पहचाना? कैसे नहीं पहचानता, ये दोनों के साथ आप थी। क्या बात, क्या मतलब? अजी, पहले आप दोनों साथ में थे इसके, और वहां से मेरे पास। ये कैसा हो सकता है? सच में उस दिन किरमानी जी ने बहुत मनमानी की थी। ये थर्ड रेट है। नहीं पता, लेकिन उतारने से पहले ट्रॉफी उन्होंने लिफ्ट कर ली। ओ, ये गलत बात। सच्ची में? कहां देखा आपने? आप मेरे इनके साथ ही। कौन सा क्लब था वो? नाम किसको पता रहता है? शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। क्या अदा है। आप इस भैंस को उठाया था, फिर तो आप वेट लिफ्टिंग में भी मेडल जीत सकते थे, राइट? आप दोनों में बोल रही है आपको? नहीं नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, उठाए थे मतलब डोंट अंडरएस्टिमेट किरू। ओके, कम ऑन किरू, प्रूव इट टू द वर्ल्ड, सबको साबित कर दो कि आप में अभी भी वही जोश है। कम ऑन, कम ऑन, यस, बिल्कुल जोश है। ये जोश के साथ आप मुझे उठाइए। मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता। ये जोशीले हैं हमारे। जिमी जिमी, प्लीज आप इनको बोलो मुझे लिफ्ट करें। प्लीज लिफ्ट करो। क्या लिफ्ट करो? जो दिल करे लिफ्ट करो। अगर आप नहीं करते तो मैं आपको करूंगा। क्या बात, मैं तो हल्का फुल्का सा हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। आगे तो खत्म हो गई, तो आगे बढ़े। क्या बात, जोरदार तालियां हमारे साथ के लिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई साहब, सन्नाटा ही होगा, आपने ईयर प्लग लगा रखे हैं कान में। क्या कह रहे हो?
ये कुछ रखे हैं आपने अपने कान में ये। चाचा जी आपको शोले में आना था, आप कुली में आ गए। एक हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। मैंने ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना है। तो कर क्यों नहीं लेते आप? पहले कोई फंसे तो सही। इधर कोई है फंसने के लिए? है कोई? आप खुद फंस जाएंगे। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो। चलिए चाचा जी मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। अरे बेटा बहुत अच्छे इंसान हो, आज के जमाने में कोई एक रुपया नहीं छोड़ता, तुम मुझे छोड़ रहे हो। आई आई आपको मैं छोड़। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अंकल जी को रामगढ़ वाली गाड़ी में जाना था, मैंने कुंदनगढ़ की गाड़ी में चढ़ा लिया। अब गेम थोड़ी बदल गई है, अब सवाल बाद में बताया जाएगा, पहले आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। सुनाइए। ये आज तक कभी नहीं हुआ, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको इसे खेलना होगा। आपके ऑप्शंस है ए कवर, बी लॉन्ग ऑन, सी मिड विकेट, डी कमेंट्री बॉक्स। कोई भी एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। बट सवाल क्या है? यही तो सवाल है कि सवाल क्या है। जवाब आपके सामने परोस दिए गए हैं। कमेंट्री बॉक्स। कमेंट्री बॉक्स कपिल सर कह रहे हैं, आपके बारे साहब। मैं भी बोलता हूँ कमेंट्री बॉक्स, क्योंकि ये अक्सर कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं, वो मिड विकेट के ऊपर ही होता है, तो इसलिए कमेंट्री बॉक्स। तीनों कमेंट्री बॉक्स, काफी एक्सपीरियंस है आप तीनों को। कहते हैं कमेंट्री बॉक्स और सवाल सुन लीजिए। चीयर लीडर्स की टांगे कहां से क्लियर दिखती है? आपका जवाब है कमेंट्री बॉक्स। इसीलिए कमेंट्री बॉक्स में बैठे तीनों लेजेंड जोर का तालियां। क्योंकि टीवी बहुत पास में दिखाते हैं। जी जी पूरा एक्सपीरियंस। नहीं एक और भी जगह है जहाँ से बहुत साफ नजर आती है जी, जहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं जी, हमेशा की जब मैच चल रहा होता है सिक्योरिटी वाले वहां से बहुत अच्छे एंगल देख के सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं, लोगों के लिए, अपने लिए, और बेस्ट एंगल वहां से है। तो आपका मतलब क्रिकेट में सबसे अच्छी जॉब तो सिक्योरिटी गार्ड्स की है? आइए बढ़ते हैं आगे, आपको फिर से ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसका सवाल बाद में बताएं। आपके ऑप्शंस हैं ए पुल के नीचे, बी बेडरूम में, सी फ्लड लाइट के नीचे, या फिर डी क्या बात है अंधेरे में। क्या सवाल है बताइए। सवाल तो है ही नहीं सर, ये सिर्फ ऑप्शन है। तो जबरदस्त ऑप्शन दिए हैं आपने जी, तो क्या चुनेंगे किरवानी साहब? मैं तो बोलूंगा फ्लड लाइट के नीचे। फ्लड लाइट के नीचे, आई थिंक पुल के नीचे। पुल के नीचे नहीं नहीं, अंधेरे में। अंधेरे में करेक्ट, क्या है पुल के नीचे अच्छा लगता है लेकिन अंधेरे में ठीक रहता है। कपिल सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपसी सहमति में एक जवाब। लाइट में, फ्लड लाइट में। मैं फ्लड लाइट के नीचे बोला। अच्छा फ्लड लाइट के ऊपर या फ्लड। जल्दी जवाब दीजिए, हमारे पास समय बहुत। किसे फोन लगाना चाहेंगे आप? एक सुनील ग्रोवर है, वो अपने दोस्त उनसे पूछना चाहेंगे। जी जी, तक फोन ही नहीं है उनके पास, ये जियो का आज फोन नहीं मिला क्या? वादा किया कि फोन इस पूरा सीरीज करने के बाद आपको फोन दिया जाएगा, तो आप उसके बाद फोन लगा सकते हैं। जिमी सर अंधेरे में। अंधेरे में, तो चलिए जिमी सर काफी कन्विंस्ड है। मैं सवाल बताता हूँ, सवाल है 2020 मैच खेलने में कहा ज्यादा स्कोर बनता है, और जवाब है अंधेरे में। जोरदार तालियां। कपिल सर इतने ज्यादा आप उलझ गए थे, क्या सोच रहे थे आप? सवाल मैं अपनी टीम के बारे में सोच रहा था। क्या करें, टीम के बारे में सोचते कहां इनको खेलना ज्यादा बेहतर लगता है। लेकिन अंधेरे में बॉल कैसे देख लेते हैं, मतलब अंधेरे में बॉल, बल्ला, खिलाड़ी पोजीशनिंग? बॉल की तो बात ही नहीं है वहां पे। जी जी जी, बल्ला हाथ में होता ही नहीं है। बस बस खेलना ही खेलना। यू नो एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने बहुत ही खूबसूरत खेला और आप जीत गए हैं स्पेशल इनाम। सर मैंने सुना था जब 1975 में इंग्लैंड आए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो उस वक्त आपको दो ही शौक थे, B,
ब्लॉन्ड हेयर देखना और लंबी चांगे देखना। माय गॉड, होली थर्स्टी क्रो, अगर और कुछ मांग लेते तो वो भी मिल जाता आपको। बिच थैंक यू। ये ब्लॉन्ड है, थैंक यू, और ये लंबी चांदी। बहुत अच्छा खेला आपको, इनाम तो मिलना ही चाहिए।